अध्याय। बच्चों गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 दशमलव भिन्नों की संक्रियाएं। पहला तो उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 आपको हल करना है। अब आप देखिए इसका अभ्यास 16 का पहला सवाल देखिए, जोड़िए 5.83 पहला सवाल 5.83 कॉमा 4.45 कॉमा और 3.03। अब इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले इकाई इकाई के नीचे, दहाई दहाई के नीचे, उसके बाद दशमलव, दसवां, सौवां, हजारवां, दशमलव 3 अंक का होता है, उसी तरह इसको जोड़ेंगे लिख करके। दशमलव के बाईं ओर की गिनती, एक बाईं ओर की गिनती जो है पूर्णांक है, और इधर जो है गिनती दशमलव में है, 8, 3, फिर उसके नीचे 4.45, फिर 3.03। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5, 3, 8, 8, 3, 11, 1 हासिल 1, 8, 4, 12, 1, 13, 3 हासिल 1। अब दशमलव वाली गिनती, इसका दशमलव, इसका हासिल, इसका हासिल दशमलव के घर जोड़ देंगे, 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13 दशमलव अपनी जगह पे, इस तरह होता है दशमलव का जोड़। इसी तरह आपको पहला सवाल करना, सारी गिनती को दशमलव दशमलव के नीचे जैसे लिखा है उसी तरह ऊपर नीचे लिख करके आपको जोड़ देना। घटाइए 5.2 में से, दूसरा सवाल देखिए, घटाइए 5.2 में से 4.35 घटाइए। अब सबसे पहले 5.2 लिखा, अब उसके नीचे लिखेंगे 5 के नीचे 4, 2 के नीचे 3, अब इधर 5 आगे लिखेंगे। अब 5 के ऊपर कोई गिनती नहीं है, तब उसमें हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब उसके नीचे लाइन खींच के घटा देंगे, यहाँ से एक उधार गया 10, 10 से 5 गया 5, अब यहाँ से एक उधार आया, यहाँ बना 11, यहाँ बना 11, यहाँ बना 10, अब 11 में से 3 गया 8 दशमलव के नीचे, और यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0, उत्तर आया 0.85। इसी तरह जोड़ हुआ, घटाना हुआ। अब मान ज्ञात कीजिए, तीसरा सवाल देखिए, 4.23, 2.5, 3+3, 2.5 -8.5, 0.08। अब इसको जरा देखिए, मान ज्ञात कीजिए, तीसरा सवाल देखिए, 4.2, 5, 3+3, 5 -5.108। अब सबसे पहले इसमें हम प्लस को जोड़ करके माइनस घटा देंगे, 4.2, 5, 3 और फिर 3.5। अब इधर कोई गिनती नहीं है किनारे, तो इसको हम 0 बढ़ा सकते हैं, 5, 0, 0 लिख सकते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। ये दसवां है, दशमलव के किनारे दसवां, सौवां, हजारवां, लास्ट वाली गिनती हजारवां है, और पूर्णांक गिनती में बाईं ओर चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, समझ पा रही बात। अब उसको हम क्या करेंगे, पहले प्लस को जोड़ देंगे फिर माइनस को घटा देंगे, 3, 5, 5, 2, 7, 4, 3, 4, 3, 7, उत्तर आया 7.753। अब इसमें से हम 5.108 घटा देंगे, यहां से दोबारा 13, 13 में से 8 गया 5,
यहाँ बचा चार, चार बसे शून्य गया चार, सात बसे एक गया छह, सात बसे पांच गया दो, दशमलव अपनी जगह पे उत्तर आया 2.645। इसी तरह आपको पूरा चैप्टर हल करना है। अब 10 सवाल है, 10 सवाल आपको हल करना है। दशमलव संख्याओं की पूर्ण संख्याओं का गुणा, अब इसको हम कल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल और एग्जाम्पल आपको हल करना है। एग्जाम्पल एक दो तीन चार गुणा भाग वाला हल करना है। अगर इसमें कोई आपको समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे आप हमको भेज सकते हैं, हमको सवाल समझ नहीं आया, इसको हम आपको फिर से समझाएंगे।